हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो। पिछली दो वीडियो में तुम लोगों का रिस्पांस को देख के यार मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों को इस गेम का कितना इंतजार है, और तुम लोगों ने इस गेम के लिए कुछ सजेशंस भी दिए हैं, जैसे कि इस गेम के मैप को बड़ा करो और इसमें और पैल को ऐड करो, पोकेमोन का कैचिंग सिस्टम और साथ में क्राफ्टिंग सिस्टम भी। और आज की वीडियो में हम लोग इस गेम का एक मेजर ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करने वाले हैं, और इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो यार, तुम और हम मिलके इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी यूनिटी को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं इसके मैप को बनाना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक नई टेरेन लेता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर टेक्सचर डालना शुरू कर देता हूँ। टेक्सचर डालने के बाद यार मेरे को मैप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ये वाले मैप को मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। फिर क्या था, फिर से मैं नए मैप को बनाने के बाद इस पे टेक्सचर दे देता हूँ। टेक्सचर देने के बाद इसके अरेना को भी सेट करना शुरू कर देता हूँ, और उसके बाद उसके चारों ओर मैं पत्थर लगाना शुरू यानी कि स्टोन लगाना शुरू कर देता हूँ, और उसके बाद एक बैरियर को बनाता हूँ, जिसके बाद हमारा मैप कुछ ऐसा दिख रहा था। अपने मैप को बनाने के बाद अब बारी थी इसके लिए करैक्टर को चेंज करने की। इसके लिए सबसे पहले मैं रोनी बाय से करैक्टर का मॉडल ले लेता हूँ और उसे अपनी यूनिटी में इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद फिर मैं उसकी रिक को ह्यूमनाइट कर लेता हूँ। अरे भाई, ये इसका बो किस तरफ जा रहा है। करैक्टर के बाद मैं काम करना शुरू कर देता हूँ एनिमी एआई पे। एनिमी एआई के लिए सबसे पहले मैं एक क्यूब लेता हूँ और उसके बाद उस पे स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर देता हूँ। इसकी स्क्रिप्ट मैं इस तरह से लिखता हूँ, जैसे ही हमारे अटैक रेंज के अंदर जैसे ही हमारा प्लेयर आएगा वैसे ही उस पे अटैक करना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हमारा प्लेयर अटैक रेंज से बाहर जाएगा वो दोबारा से पेट्रोलिंग स्टेट में आ जाएगा। वेल, इसे काम तो करना चाहिए था, और इसे प्ले करते ही जो मैप से बाहर भागने की कोशिश करता है। इसको ठीक करने के बाद हमारा एनिमी एआई बिल्कुल आराम से वर्क कर रहा था। प्लेयर के पास जाते वो उसको चेस करता और उससे दूर जाते अपनी पेट्रोलिंग स्टेट पे वापस आ जाता। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो देख क्या रहे हो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोग इस गेम का अपडेट रोज पाना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से डिस्कॉर्ड का लिंक है उसे क्लिक करो और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो। अब बारी थी कैचिंग सिस्टम को बनाने की, जिसके साथ तुम पोकेमोन को कैच कर सकते हो यार। और इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए थी कोडिंग। फिर क्या था, मैं कोडिंग लिखना शुरू कर देता हूँ। फिर जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ फिर मैं इन बग को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद फिर से, और इसके बाद मेरा मन कुछ ऐसा कह रहा था। अरे बस कर भाई। फिर हमारे 2 डेज की मजदूरी के बाद फाइनली हमारा ये वाला सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है। नाइस। अब बारी थी इसके लिए इन्वेंटरी सिस्टम को बनाने की, क्योंकि क्राफ्टिंग सिस्टम से पहले तुम्हें इन्वेंटरी सिस्टम की नीड है। कोई भी चीज को अगर स्टोर करना होगा वो इन्वेंटरी में ही स्टोर होगी, इसलिए मैं इन्वेंटरी सिस्टम बनाना शुरू कर देता हूँ। वेल, जैसे मैं इसके कोड को चेंज करके इसको प्ले करता हूँ और इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। इसके बाद मेरे को पता नहीं चल रहा था कि इसमें हुआ क्या यार, इसकी रेंडर पाइपलाइन भी सही होती है और इसके सभी मटेरियल भी, लेकिन यार मेरे को पता नहीं चल रहा था इसको हुआ क्या यार, इसकी वजह से मेरी मोटिवेशन भी जा चुकी थी। फिर मैं इसे कोडिंग से ठीक करने की एक नाकाम कोशिश करता हूँ, और उसके बाद मेरी हालत कुछ ऐसी थी। और इसी प्रॉब्लम की वजह से हम अपने प्रोजेक्ट में 2 से 3 दिन पीछे चलने लग पड़े, और इसी के कारण हमारा डेमो वर्जन भी बनके अभी तक रेडी नहीं हुआ है। और इसका मतलब ये भी है, इस बार का डेमो वर्जन तुम लोग डाउनलोड करके नहीं खेल पाओगे। अबे साले। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद वाला जो डेमो वर्जन आएगा वो तुम लोग जरूर खेल पाओगे। तब तक तुम इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तुम लोग हमें इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहो और हम इसी तरह से गेम्स बनाते रहेंगे। और ये रही हमारी अब तक की प्रोग्रेस।